स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल शांति वेलनेस सेंटर में। मैं पूनम शर्मा, इंट्यूटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज बता दूं कि व्हाट इज़ इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है मैम? आप क्या इंट्यूशन के द्वारा कराती हैं? आप कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? कैसे आप इंट्यूशन के साथ बड़ी से बड़ी डिसीज़ को, बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं? मैं एक बात यहाँ पे कह दूँ कि मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी कि इंट्यूशन क्या है। इंट्यूशन एक हमारी अंदर की वो चेतना है, वो आवाज़ है जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो शायद आपको अभी पता चल जाएगा। इंट्यूशन सबके पास होती है, अपनी अंदर की आवाज़ सबके पास होती है। अगर हमें ये जीवन, ये शरीर मिला है तो हमारे अंदर आत्मा है, तभी हमारा शरीर चल भी रहा है। जिस दिन हमारे अंदर से आत्मा चली जाएगी, हमारा ये शरीर काम करना बंद कर देगा। वही होती है इंट्यूशन। हमें अपने इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है जो हम करते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें ये बोलता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, लेकिन कॉन्शियस माइंड हमें बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, इससे आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन वहीं पे जो बीच में हमें एक कहते हैं ना प्रकाश दिखाई देता है, वो होता है इंट्यूशन, और हमेशा हम उसे इग्नोर करते हैं। अगर कोई भी हमें डायरेक्शन देने की कोशिश करता है या फिर किसी भी तरीके से हमारे दिमाग में कोई और बात डाल देता है, तो हम उसकी बात सुन लेते हैं और हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। फिर बाद में हमें पछतावा भी बहुत होता है कि यार मैंने क्यों नहीं अपनी इंट्यूशन को सुना, मैंने अपनी क्यों अंदर की आत्मा को नहीं सुना, वो मुझे गाइड कर रही थी कि आपको ये करना चाहिए था, आपने क्यों ये कर लिया। तो बाद में पछताने के बजाय अगर हम अभी से अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा फॉलो करें, थोड़ा सा अपने आप से बातें करें, तो शायद हम बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढ सकते हैं। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे से ही कंसल्टेशन लीजिए, नहीं, मेरा भी यही काम होता है। मैं अपने थ्रू इंट्यूटिव कंसल्टेशन के माध्यम से उन लोगों को अवेयर कराती हूँ कि जो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, उसकी सुनिए। क्योंकि हम कभी, आपने देखा होगा, ऐसे काम कर जाते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछतावे के साथ साथ बहुत गिल्टी भी होती है, और उस गिल्टी का क्या फ़ायदा जब हमने पहले ही अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुना। मैं उम्मीद करती हूँ शायद आपको मेरी इस वीडियो से आज ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इंट्यूशन क्या है, और शायद अब सबको ये पता चल गया होगा कि इंट्यूशन के साथ हम बहुत सी परेशानियों से लड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और भी मोटिवेशन दीजिए कि जिससे मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊं और आप सभी को वो अवेयरनेस दूं। मुझे पता है कि देखिए, ज्ञान और नॉलेज सबके पास होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी कनेक्टिविटी के माध्यम से थोड़े से अपने नॉलेज को और स्प्रेड करते हैं और किसी के साथ जुड़ते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि शायद उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन के रिक्वेस्ट आपसे बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको लगता है कि शायद मैं YouTube से बहुत पैसा कमा रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। YouTube मुझे कोई पैसा नहीं देता अगर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मैं इस चैनल पर नहीं हूँ और मुझे इतना कुछ जानकारी भी नहीं है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता है। YouTube सिर्फ उन लोगों को ही मनी प्रोवाइड करता है जिनके वीडियोस पर एड्स आते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मेरी किसी भी वीडियोस पर कोई भी ऐड नहीं आता है। तो शायद उस मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे अभी बहुत स्ट्रगल करना है, और वो मैं तभी करूँगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे इंस्पिरेशन देंगे कि आपको काम करना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मेरी लाइफ सच में बहुत बिज़ी है। सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को देखना होता है, उसके बाद मुझे अपने घर को देखना होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है उनको देखना होता है। उसी के साथ साथ मेरे डेली मेडिटेशन सेशंस चलते हैं, और मेडिटेशन सेशंस के साथ साथ मैं क्रॉनिक जो डिसीज़ होती हैं जिनको कवर अप करने की कोशिश करती हूँ, उनकी काउंसलिंग चलती है। फिर भी मेरे पास अगर टाइम बचता है तो मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं आगे भी करती रहूँगी अगर मुझे आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे इंस्पिरेशन देंगे कि शायद मुझे
इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और आप सभी से कनेक्ट होकर रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक से नहीं, 200 नहीं, हज़ारों करोड़ों फैमिली से कनेक्ट होती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास कॉल्स आती हैं और लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप सभी को इतना बता दूँ कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा यही पर्पस होता है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ सभी की हेल्प करने की। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नमस्ते।